सो गाइज, YouTube से पैसा कमाने के लिए हमें अपने YouTube चैनल को मोनिटाइज करवाना पड़ता है, 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ता है, तो उसके बाद हमारा YouTube चैनल रिव्यू में जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद आपका चैनल मोनिटाइज हो ही जाएगा, नो। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन से चैनल्स हैं, किस टाइप की वीडियोस अपलोड करने से आपका YouTube चैनल मोनिटाइज नहीं होगा, डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, आप एलिजिबल नहीं रहोगे मोनिटाइजेशन के लिए। और अगर आपका YouTube चैनल मोनिटाइज नहीं होगा तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे, और 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट करने में आप समझ सकते हो इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है, और उसके बाद चैनल मोनिटाइज ना हो तो क्या फायदा। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के चैनल मोनिटाइज होंगे और किस टाइप के चैनल्स मोनिटाइज नहीं होंगे। तो बने रहो वीडियो में एंड तक। बट आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है जुनेद और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल जुन्नू की टेक। चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पर आपको जनरल कॉन्टेंट मिलता है और मिलता रहेगा। वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यूट्यूब जब आपके चैनल को रिव्यू करता है, जब आप क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हो 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 आवर्स का वॉच टाइम, तो यूट्यूब आपके चैनल को चेक करता है, तो वो क्या क्या चेक करता है वो भी आपको इस वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। फर्स्ट, हार्मफुल कंटेंट। अगर आपके कंटेंट से किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपका यूट्यूब चैनल मोनिटाइज नहीं होगा, कोई भी आपकी कंप्लेन कर सकता है, तो हार्मफुल कंटेंट नहीं बनाना है। सेकंड, स्टेटस चैनल। आप में से काफी पर्सन स्टेटस चैनल बना लेते हैं, किसी और का सॉन्ग लेते हैं और 30 सेकंड का कट करके अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं, और आप क्या सोच रहे हो कि ऐसा चैनल मोनिटाइज हो जाएगा। पहली बात तो ये कि आप जो कंटेंट ले रहे हो उसमें आपका क्या है, कुछ नहीं, आपने आगे से कट किया, पीछे से कट किया और उसको अपलोड कर दिया या लिरिक्स लिख दी, तो उसके बाद भी वो कंटेंट आपका नहीं रहेगा, बिकॉज उसमें जो ऑडियो है, वो जो म्यूजिक है, वो किसी और कंपनी का है, किसी और का है। तो यहाँ पे आपके दो चांस रहते हैं, एक तो आपको स्ट्राइक मिल जाती है, और सेकंड थिंग, आपका चैनल मोनिटाइज नहीं होगा। तो स्टेटस चैनल के पीछे मत भागो, बिकॉज वो आपका कंटेंट नहीं होता। और अगर आप ये सोच रहे हो कि स्टेटस अपलोड करके 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लूंगा, 4000 आवर्स का वॉच टाइम, पहली बात तो ये कि 30 सेकंड का वीडियो अपलोड होता है, कब तक करोगे? और अगर आपने कर भी लिया तो उसके बाद आपका YouTube चैनल मोनिटाइज नहीं होगा। थर्ड, कमेंट स्पैम। आप में से काफी पर्सन कमेंट में स्पैम करते हैं, किसी एक बंदे की YouTube वीडियो को ओपन करेंगे और वहां पे बहुत सारे कमेंट ऐड कर देंगे, कमेंट कर देंगे उसकी वीडियो पर, कॉपी करके रखते हैं, पेस्ट करते हैं, कमेंट कमेंट कमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा कमेंट कर दोगे, तो भाई इस तरीके से आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी पड़ सकता है और आपका यूट्यूब चैनल मोनिटाइज नहीं होगा। यूट्यूब का जो मशीन लर्निंग सिस्टम है वो समझ जाता है कि आप स्पैम कर रहे हो। फोर्थ, कमेंट स्पैम तो हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ स्कैम के बारे में। अगर आप YouTube पर स्कैम करते हो, किसी को ये बोलते हो कि ये वेबसाइट पर जाओ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, आपको इतना रिटर्न मिल जाएगा, मतलब एक तरीके से फ्रॉड करते हो, बिल्कुल घटिया वाहियात वेबसाइट के बारे में बताते हो या एप्लीकेशन के बारे में बताते हो कि यहाँ पे इन्वेस्ट करने पर, और गारंटेड बोलते हो कि गारंटेड आपको इतना रिटर्न मिल जाएगा, आप स्कैम करते हो तो भी आपका चैनल मोनिटाइज नहीं होगा। YouTube जब आपके चैनल को रिव्यू करेगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। साथ के साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आप स्कैम करते हो तो आपको जेल भी हो सकती है। फिफ्थ, सेक्सुअल कंटेंट। आपको यह पता ही होगा कि आप सेक्सुअल कंटेंट YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते हो, कर भी सकते हो 18+, लेकिन वो वाला नहीं, ठीक है, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर आप एक और मिस्टेक करते हो, वीडियो में कुछ और डालते हो अंदर, वो नहीं दिखाते, और बाहर थंबनेल पे गलत पिक यूज कर लेते हो, तो भी आपका YouTube चैनल मोनिटाइज नहीं होगा। वैसे तो आपको स्ट्राइक उससे पहले ही पड़ जाएगा, इस तरीके से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सिक्स्थ, हेट स्पीच। अगर आप नफरत फैलाते हो, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हो, गलत बोलते हो, हिंदू मुस्लिम ये सब करते हो, उल्टे सीधे काम करते हो, मतलब नफरत फैलाते हो एक तरीके से, तो पहली बात तो ये कि आप अरेस्ट भी हो सकते हो अगर आप इस तरीके से नफरत फैलाओगे, और आपका YouTube चैनल मोनिटाइज भी नहीं होगा, और आपको स्ट्राइक भी पड़ सकता है या कोई पड़वा सकता है। सेवन, हरेसमेंट एंड बुलिंग। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट कर रहे हो, कुछ गलत बोल रहे हो, तो इस टाइप की वीडियोस अगर आप बनाते हो अपने YouTube चैनल पर,
तो आपका चैनल मोनिटाइज नहीं होगा। 8 रियूज्ड कंटेंट। आप में से काफी पर्सन यूट्यूब पर काफी वीडियोस अपलोड कर देते हैं, उसके बाद भी यूट्यूब पर अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता, वीडियो पर व्यूज नहीं आते, तो वो किसी और का वीडियो डाउनलोड करते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं। इससे आपका क्या नुकसान होने वाला है? आपको सामने वाला बंदा भी स्ट्राइक दे सकता है। मेरी वीडियोस काफी पर्सन पूरी की पूरी डाउनलोड कर लेते हैं, सेम थंबनेल लगते हैं, फिर अपलोड कर देते हैं। पहली बात तो ये देखो भाई, मैं तो स्ट्राइक नहीं देने वाला, लेकिन इससे आपका ही लॉस है। आपका यूट्यूब चैनल मोनिटाइज नहीं होगा जब आप मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे। और इस तरीके से वॉच टाइम कंप्लीट करके आपका फेस वैल्यू थोड़ी बनेगा, आपको कौन जानेगा? जिसका वीडियो आप अपलोड कर रहे हो उसका फेस वैल्यू बनेगा। और अगर किसी मूवी का कोई पार्ट कट करके उसको आप अपलोड कर देते हो, आप इस बात को ध्यान से समझो भाई, सामने वाला बंदा अपनी मूवी में पैसा खर्च कर रहा है, तो भाई वो फ्री में क्यों आप उसको यूट्यूब पर अपलोड करते हो? तो अगर आप उसकी मूवी आप कहीं और से डाउनलोड करके यूट्यूब पर अपलोड कर देते हो, सामने वाला बंदा पैसा खर्च कर रहा है और अपना वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए आप उसको यूट्यूब पर अपलोड कर देते हो, तो इस तरीके का चैनल भी मोनिटाइज नहीं होगा अगर आप अपने चैनल पर ये सब काम करते हो। एक होता है रिपीटेड कॉन्टेंट, एक ही तरह के वीडियो अपलोड करना, सेम टाइटल, सेम टैग्स, सेम डिस्क्रिप्शन। अगर आप इस तरीके से कॉन्टेंट को रिपीट करते रहोगे, सेम वीडियोज अपलोड करते रहोगे, तो हो सकता है आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी पड़ जाए। अगर स्ट्राइक ना पड़ा तो जब आप यूट्यूब चैनल को रिव्यू के लिए भेजोगे तो आपका यूट्यूब चैनल अप्रूव नहीं होगा, आप अपने यूट्यूब चैनल से पैसा नहीं कमा सकते, मोनिटाइजेशन इनेबल नहीं होगा। नंबर 10 बाइक स्टंट। आप में से काफी पर्सन को स्टंट करना आता है बट पूरी सेफ्टी के साथ नहीं रहते, विदाउट हेलमेट बस पहिया उठा दिया और यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, कलाकारी शो कर दी। इस तरीके से भाई आपको पुलिस भी अरेस्ट कर सकती है और आपको कुछ ना कुछ सजा तो भुगतनी पड़ेगी और आपका चलान भी कर सकता है, बिकॉज इस तरीके से अलाउ नहीं है। और इस टाइप की वीडियोस आप अपलोड कर दोगे और आपको वॉच टाइम भी मिल जाएगा, आपका वीडियो वायरल भी हो जाएगा, देखो भाई ये तो आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट कर सकता है या फिर यूट्यूब ही आपके यूट्यूब चैनल को मोनिटाइज नहीं करेगा जब वो रिव्यू करेगा। रिएक्शन वीडियोस। यूट्यूब पर काफी चैनल्स ऐसे हैं जो किसी दूसरे की वीडियो पर रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका यूट्यूब चैनल मोनिटाइज हो जाएगा। लेकिन आप उसकी वीडियो पर रिएक्ट करते करते कुछ गलत बोलते हो, नफरत फैला रहे हो, गाली दे रहे हो उसको, तो इस तरीके के यूट्यूब चैनल मोनिटाइज नहीं होंगे और हो सकता है सामने वाले आपको स्ट्राइक दे दे जिसकी वीडियो पर आप रिएक्ट कर रहे हो। नंबर 12 काफी पर्सन क्या करते हैं, 2-4 दिन जिम का शौक चढ़ता है और जिम में जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, वीडियो बनाने के बाद यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। देखो तुम्हारा भाई अब जिम में जाएगा, वीडियोज बनाएगा, जिम उनका छूट जाता है कुछ टाइम के बाद, फिर वो फुटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं या क्रिकेट खेलना शुरू कर देंगे, फिर उसका वीडियो बनाएंगे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना शुरू कर देंगे। भाई आप क्या लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर दोगे इस तरीके से? आपको वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कराना है। अगर आप किसी को समझा रहे हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हो, तो भाई वैल्यू ऐड करो, सामने वाले को समझ में आना चाहिए। कॉमेडी वीडियोस बना रहे हो, सामने वाला एंटरटेन होना चाहिए। अगर आप कुछ भी अपलोड करोगे तो इस टाइप के चैनल्स मोनिटाइज नहीं होंगे। 13 किसी सॉफ्टवेयर को क्रैक कैसे करें, क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हो कि आप इस तरीके से क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको एक तो वो कंपनी स्ट्राइक दे सकती है जिसके सॉफ्टवेयर को आप क्रैक करना सिखा रहे हो, बिकॉज भाई वो कंपनी पैसे में उस सॉफ्टवेयर को बेचती है, आप उसको फ्री में बता रहे हो, तो इस तरीके से आपको व्यूज भी मिल जाएंगे, वॉच टाइम भी मिल जाएगा, लेकिन आने वाले टाइम में आपको रोना भी पड़ सकता है जब आपके यूट्यूब चैनल पर स्ट्राइक्स आ जाएंगी। तो आप इस टाइप के वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड नहीं कर सकते, कर सकते हो लेकिन सामने वाले की नजर में आते ही आपको स्ट्राइक मिल जाएगा और यूट्यूब ऐसे चैनल्स को मोनिटाइज बहुत कम करता है। 14 यूट्यूब वीडियोस को गैलरी में कैसे सेव करें, जिस थाली में खाते हो अगर आप उसी थाली में छेद करोगे तो आपको स्ट्राइक मिल जाएगी यूट्यूब की साइड से, बिकॉज स्टार्टिंग में मेरे को भी नहीं पता था, मैंने भी एक टॉपिक पर वीडियो बनाया था कि यूट्यूब वीडियोस को गैलरी में सेव करना ठीक है सिर्फ 5 मिनट में, और एक एप्लीकेशन आता है उसके बारे में बता दिया था, तो मेरे को तुरंत स्ट्राइक नहीं मिली थी। आने वाले 2 या 3 महीने में जब उस पर अच्छा रिस्पॉन्स जाना शुरू हो गया, व्यूज आने शुरू हो गए, तो वो वीडियो डिलीट कर दिया गया था। 3 महीने तक सजा भुगतनी पड़ती है जब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक या कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाती है और अपलोडिंग भी डिसेबल्ड कर दिया जाता है। तो ये सब मिस्टेक्स आपको यूट्यूब पर नहीं करनी है। एक और है अभी तो 15 एंड लास्ट, जब आप यूट्यूब पर बहुत ज्यादा मेहनत करते हो तो आपके व्यूज नहीं आते, सब्सक्राइबर्स इंक्रीज नहीं होते, वॉच टाइम इंक्रीज नहीं होता, तो आपके माइंड में कोई भी डाल देता है कि तू उस वेबसाइट से इतने पैसे देकर इंक्रीज कर सकता है। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आज आपको पता चल जाएगा या दोबारा फिर सुन लेना। किसी वेबसाइट के थ्रू सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करना, वॉच टाइम इंक्रीज करना, यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता चल जाता है, मशीन लर्निंग सिस्टम समझ जाता है।
तो उसके बावजूद भी आप अगर ये काम करते हो, पता होने के बाद भी कि ऐसा करने से हमारा YouTube चैनल मोनिटाइज नहीं होगा, मशीन लर्निंग सिस्टम समझ जाएगा, तो आपका YouTube चैनल टर्मिनेट भी हो सकता है। तो ये मिस्टेक्स ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि अगर आप अपने चैनल पर इस टाइप के वीडियोस अपलोड करते हो तो आपका YouTube चैनल मोनिटाइज नहीं होगा। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि YouTube चैनल जब आपका रिव्यू के लिए जाता है, YouTube आपके YouTube चैनल को चेक करता है, तो वो क्या क्या चीज़ें चेक करता है आपके YouTube चैनल में। और ज़रूरी नहीं है कि वही चेक करेगा, ये मैन होता है, YouTube ने ऐसा कहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है मेन थीम। आप अपने चैनल का थीम बिगाड़ कर ना रखें, कभी किसी कैटेगरी का वीडियो अपलोड कर दिया, कभी बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी का वीडियो अपलोड कर दिया, आपको एक कैटेगरी पर टिके रहना है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट व्यूड वीडियो। आपकी जिस वीडियो पे सबसे ज़्यादा व्यूज हैं वो चेक किया जाएगा, आपने कुछ फ्रॉड वगैरह तो नहीं किया, मतलब किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से या कहीं और से तो नहीं इंक्रीज़ किया। और यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूएस्ट वीडियो, मतलब जो आपने बिल्कुल अभी लास्ट वीडियोज अपलोड कर रहे हो जो, वो चेक किए जाएंगे, तो इसलिए रेगुलर रहना ज़रूरी है। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो आप वॉच टाइम ले रहे हो किस तरीके से ले रहे हो, पब्लिक वॉच टाइम है या फिर ऐसे बस हवा हवा में कहीं से भी ले लिया, इस तरीके का ये सब चेक किया जाएगा। और यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट लिखा हुआ है वीडियो मेटा डाटा, आपका जो डिस्क्रिप्शन है, टाइटल्स, थंबनेल एंड डिस्क्रिप्शन, ये सब चेक किया जाएगा। तो आप अपने डिस्क्रिप्शन को भी सही लिखें, कोई फालतू का लिंक ना दें, जैसे मैंने आपको बताया करेक्ट सॉफ्टवेयर का, मोड एप्लीकेशंस का, ये सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं देने हैं, ये सब चेक करता है यूट्यूब। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ऊपर वाली वीडियो को देखो, आप वॉच टाइम बढ़ाना सीख जाओगे अपनी वीडियोस में जेन्युइन तरीके से, और ये वाला वीडियो भी देख सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना अपना एंड बाय।